नमस्कार, मेरा नाम बिरजू है और भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार चुनाव से रिलेटेड हर वक्त की खबर आपको भारत लाइव अपडेट करते रहिए। और अब बता दें कि लगातार तेजस्वी यादव अपनी खेमे को यानी कि आरजेडी को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हर रोज़ जो अदर पार्टियां हैं उसमें से लोग आ रहे हैं, आरजेडी की सदस्यता ले रहे हैं। ख़ास तौर पर जो लोग इनके गठबंधन को तोड़कर बाहर जा रहे हैं उन पार्टियों पे जो निशाने साधे हुए तेजस्वी यादव आरएलएसपी के प्रदेश अध्यक्ष तोड़कर आते हैं, जो कहीं ना कहीं जो जीता नमाजी जाते हैं उनके भी कुछ नेता को तोड़ कर लाते हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि पहले चरण का नामांकन मतलब होने का डेट का ऐलान हो चुका है 1 से 8 तारीख तक। लेकिन फिलहाल अभी किसी भी दल ने नामांकन यानी कि जो अपना नॉमिनेशन नहीं किया है। आज जो है सीटों का जो है कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी या पहले फेज में कौन कौन से उम्मीदवार होंगे ये सारी चीज़ें लगभग तय कर दी गई है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने एलजेपी में जो खबरें आ रही है उस खबरें के मुताबिक बात की जाए तो खगड़िया से एलजेपी सांसद के बेटे यूसुफ कैसर को उन्होंने आरजेडी की सदस्यता दिलाई है। कहा जा रहा है कि यूसुफ कैसर जो है वो आरजेडी के साथ कदम में कदम मिलाकर चलने की बात कही है और कहा जा रहा है कि वो इस बार का विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे। आपको बता दें कि खगड़िया से एलजेपी सांसद है महबूब कैसर, उनके बेटे हैं यूसुफ कैसर, वो अब आरजेडी के साथ आ गए हैं। उनके पिता जो हैं वो एलजेपी से सांसद है खगड़िया से। अगर बात की जाए उनके पिता की तो वो पूर्व में कांग्रेस के बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन वो कांग्रेस से हटकर उन्होंने 2010 में जो है वो एलजेपी ज्वाइन किया और एलजेपी से वो अभी फिलहाल खगड़िया से सांसद है। अगर बात की जाए वो तमाम घटनाक्रम की तो ये सारी घटनाक्रम पिछले 2 दिन में हुआ है। कहा जाता है कि लगातार तेजस्वी यादव के कांटेक्ट में थे और आज उन्होंने सदस्यता ले ली है। तो कहीं ना कहीं बाप बेटे की ही लड़ाई कहीं ना ऐसा ना हो जाए, क्योंकि एक तरफ तेजस्वी यादव हैं उनके लड़के हैं उनके साथ खड़े और दूसरी तरफ एनडीए के खेमे नीतीश कुमार हैं, एलजेपी हैं वो एक तरफ खड़ा है। क्योंकि लड़ाई अगर बात की जाए, हमने कहा कि बाप बेटे की लड़ाई यूं है क्योंकि जो बीजेपी की लड़ाई है, जो एनडीए की लड़ाई है और जो आरजेडी महागठबंधन की लड़ाई है वो दो खेमे में है। यहाँ महागठबंधन की लड़ाई जो सीधे तौर पर डबल इंजन की सरकार से है और डबल इंजन की सरकार में वो भी आते हैं, एलजेपी भी आती है। आपको बता दें कि 2010 में कैसर कांग्रेस छोड़कर लोजपा ज्वाइन किए थे और खगड़िया लोकसभा चुनाव लड़े और सांसद भी बने। यूसुफ के दादा जो हैं यानी कि जो उनके पिताजी हैं और यूसुफ के दादाजी जो हैं वो यूसुफ के दादाजी चौधरी महबूब सलाउद्दीन सिमरी बख्तियारपुर से 1972, 1977, 1980 और 1985 में विधानसभा चुनाव जीते थे। और यूसुफ सलाउद्दीन इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। वे लोजपा में युवा प्रदेश महासचिव भी रहे हैं, लोजपा में युवा प्रधान महासचिव भी रहे हैं। इंटर के शिक्षा उन्होंने पटना में ली है, पुणे कॉलेज ऑफ बीकॉम में किया। और जो खबरें आ रही है कि सांसद एलजेपी सांसद के बेटे ने आरजेडी की सदस्यता ले ली है, जो बड़ी खबर है बिहार की राजनीति से। लगातार आरजेडी में पहले टूट हो रही थी लेकिन अब जो है आरजेडी अपनी फील्डिंग मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। और आज उन्होंने एक बड़ा कहा जाए तो एक सिक्सर मारा है एलजेपी से, एक बड़ी टूट कहा जाए इसको कि एक सांसद के लड़के को, वर्तमान सांसद के लड़के जो हैं वो उनको अपने पार्टी में शामिल कराया है। महबूब कैसर खगड़िया एलजेपी लोकसभा सांसद हैं, उनके बेटे जो हैं उनके बेटे को यूसुफ कैसर को आरजेडी की सदस्यता दिलाई है। तो फिलहाल कितना है, जुड़े मात लाइव के साथ, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।